नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। एक तरफ देश की कई यूनिवर्सिटी के छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासी दल भी मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव के कुनबे में कानून को लेकर दरार पड़ती नजर आ रही है। जहां सपा प्रमुख CAA और NRC के विरोध में है तो वहीं परिवार की बहू मोदी सरकार के समर्थन में उतर आई है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से शिवपाल यादव के अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी और परिवार बटा हुआ है तो वहीं अब परिवार के अंदर से फिर दरार की खबरें आने लगी हैं, जिससे मुलायम कुनबा और बिखरता नजर आ रहा है। दरअसल जिस नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर देश भर में उबाल है, अब उसकी आंच मुलायम सिंह के परिवार तक पहुँच गयी है। जी हाँ, जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं तो वहीं उन्हीं की परिवार की सदस्य इसका समर्थन कर रही हैं। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया। अपर्णा ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जो भारत का है उसे रजिस्टर में अंकित होने में क्या समस्या है। अपने ट्वीट में उन्होंने जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। अपर्णा ने NRC को लेकर हो रहे विरोध पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अपर्णा ने मोदी सरकार के फैसले का खुला समर्थन किया हो। इससे पहले भी वो स्वच्छता अभियान पर केंद्र सरकार का समर्थन कर चुकी हैं। अपर्णा सपा के सदस्य हैं और साल 2017 में उन्होंने पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब सपा से अलग राय रखकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। अब उनकी राय पर सपा का क्या स्टैंड होता है ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।